यहाँ पे अगर आप एल आई सी हाउसिंग के चार्ट को देखते हो तो वहाँ पे काफी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न बना है वीकली डेली बेसिस पे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे 400-410 के कॉल ऑप्शन पे अच्छी एक हमने जो जो कॉल राइटिंग थी वहाँ पे भी हमने रिडक्शन देखा है। तो हमें लगता है कि जिसके जो 420 के जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चल सकते हैं, जो 12 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं इसे बाय कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 9 रुपए के करीब का, यानी कि 3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा करंट लेवल से, और टारगेट रहेंगे तकरीबन 20 और 22, ये दो टारगेट के लिए 420 स्ट्राइक प्राइस से एल आई सी हाउसिंग के कॉल ऑप्शन खरीदे जा सकते हैं। और 1 या 2 दिन में मुझे लगता है कि रिलायंस में अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और उसके जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे अगर आप देखें तो उसमें हमने जो एक प्राइस इरोशन होता है वो आते हुए नहीं देता है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि रिलायंस के जो 2400 के जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे अगर आप तेजी करके चलते हो तो तकरीबन मुझे लगता है कि जो 44-45 के करीब अभी हमें जो कॉल ऑप्शन मिल रहे हैं वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो एट 30 रुपीज, यानी कि यहाँ से 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि शायद अगर मार्केट अगर इस लेवल से अगर बढ़ जाता है कल के इवेंट के बाद तो सबसे पहले रिलायंस चल सकता है और वो 2500-2530 के करीब जा सकता है। फिर ये जो कॉल ऑप्शन है वो डबल हो सकता है, तो 45 में बाय कीजिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट थोड़े बड़े रखिए, 100 रुपए के टारगेट के लिए इसे करंट लेवल से खरीदा जा सकता है।